तो गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है यहाँ पे आज भी यौम जम्हूरिया मनाया गया, जिसमें हमारे उलमा हज़रात की शिरकत रही, उनका बयान रहा और काफ़ी सारे हमारे जो हाजरिया मस्जिद जुम्मा मस्जिद के मुसल्ली हैं उन्होंने भी यहाँ पे आकर हमारा साथ दिया है। तो यहाँ पे आईन के बारे में बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे राइट्स है उसके बारे में बात हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के हाथ से यहाँ पे आज फ्लैग होस्टिंग भी हुई है। ये हम अपनी कौम को बताना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं कि जमहूरियत क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, क्योंकि बहुत से लोग नॉट अवेयर, उनको पता नहीं है मुसलमानों में कि व्हाट इज़ रिपब्लिक डे। तो लोगों को हम इकट्ठा करके हमारी पोजीशन, हमारी जो है आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी पोजीशन क्या है, हम उनको लोगों को बताना चाहते हैं। और अच्छा, असल में रिपब्लिक डे जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन जो है कायम हुआ और इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो तमाम लोगों को जो है सो इक्वालिटी दिया गया है और हमको जो है सो इसको फॉलो करना है हर एक को और समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और ये अवेयरनेस करने के लिए जो है हम जो है हर जगह जो है सो इस तरह के प्रोग्राम्स कायम कर रहे हैं और यहाँ भी मस्जिद खुदूस साहब कि ईदगाह में जो है सो हर साल जो है सो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। आज 26 जनवरी है, यौम जम्हूरियत का दिन है जो 1950 में ये नाफिज़ हुआ। और जम्हूरियत के ताल्लुक से बात करने के लिए आज हम खुदूस साहब ईदगाह में जो है अलम कुशाई किए हैं, फ्लैग होस्टिंग किए हैं। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का दस्तूर ने हमें एक राइट्स दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है। इसमें बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के, किसी भी धर्म या कास्ट के या रिलीजन के, सबको बराबरी का हक दिया गया है।